Hi friends, like my video and subscribe to my channel and press the bell icon for all the updates of my channel. Hello friends and welcome on my channel Dream Garden. ये मेरी नए साल की पहली वीडियो है, so happy new year to all of you. Friends, ये मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी ग्रो बैग्स की, तो ये मैं आपके संग आज शेयर करने लगी हूँ. ये ग्रो बैग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स, फ्रूट या फ्लावर्स कुछ भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे मिलते हैं. ये एवरग्रीन यूवी ट्रीटेड पॉली ग्रो बैग है, 20 पीसेस मैंने मंगाए थे 540 रुपीज़ में. 24x24 इसका साइज़ है, इंटू 40 सेंटीमीटर. और ये कुछ मेरे ग्लासेस में मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं कैंडी टफ्ट के, जो कि नीचे धूप नहीं आती है, तो इनको ऊपर ग्रो करके नीचे शिफ्ट करूँगी मैं बाद में गार्डन में अपने. तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं इन ग्रो बैग्स की. इसमें टमाटो और बैंगन के भी पौधे लगा रखे हैं, और ये मेरा सैलेड पत्ता है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है. इसकी काफ़ी लीव्स मैंने अपने घर में सैंडविचेस बनाकर यूज़ करी हैं. मेरे बच्चों को सैंडविच में ये सैलेड पत्ता बहुत पसंद है, और मुझे भी. सो मैंने और भी ग्रो बैग्स परचेज़ किए हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ. ये देखिए, ये मैंने ट्रस्ट बास्केट से मंगवाए थे, जो कि मेरे पड़े हैं मुझे ये 367 रुपीज़ के 10 पीसेस. और ये हमारे साइज़ जो है इसका है वो 20x20x35 सेंटीमीटर. ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे मुझे, सो मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने ये बैग भी मंगा लिए. और इसके अंदर मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसके अंदर भी अच्छी जगह है, जो कि हमारा कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है. उससे छोटे हैं, बट फिर भी स्टिल काफ़ी इसमें सॉइल आ जाती है. ये देखिए आप, और इसके अंदर प्रॉपर ड्रेनेज होल्स भी हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी. ये देखिए, ये ड्रेनेज होल्स हैं इसके, और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी निकलने में, और हमारा पौधा सेफ रहेगा. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आए होंगे, और आप भी इसे मंगाने के लिए सोच रहे होंगे. तो आइए अब मैं इस ग्रो बैग में आपको प्लांट्स लगा के दिखाती हूँ. इतना बड़ा ग्रो बैग है कि मेरे दो प्लांट्स इसमें ईजिली आ जाएंगे. सो मैं इसमें प्रिमला का प्लांट लगा रही हूँ, जो कि प्राइम रोज़ भी बोलते हैं इसे. ये वैसे तो सर्दियों का प्लांट है, पर फ्रेंड्स, इसे अगर हम अच्छी केयर करें, गर्मियों के दिनों में इसे अगर हम किसी ठंडी जगह पर रख दें, तो ये गर्मियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेगा. ये बहुत ही प्यारा और गुड लुकिंग प्लांट होता है. इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, और भी बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज़ में आता है ये. और इसमें डबल शेड के कलर्स होते हैं ज़्यादातर, तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है. मुझे इतना पसंद आया कि मैं दो लेकर आ गई. इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ बोली थी, बट मुझे ये 80 में पड़ा है. वैसे ये कॉस्टली ही है प्लांट, बट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए दो मैं ले आई. नेक्स्ट ईयर देखूंगी, शायद मैं ज़्यादा लेकर आ जाऊँ. तो फ्रेंड्स, इसको अब हम इसकी सॉइल की बात करें, तो इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए. वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए आप सभी को पता तो हो गई, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें रिवर सैंड 25%, 25% बोन मील या वर्मी कंपोस्ट, और 50% हमें इसमें गार्डन सॉइल डालनी है, जिससे कि ये वेल ड्रेन्ड रहेगा और पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेगा. इसमें एक और बात का ध्यान रखना है हमको, कि इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी है. सॉगीनेस नहीं करनी है, बट ड्राई सॉइल भी नहीं करनी है. अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं ग्रो बैग्स, जिसमें मैंने एक तो ये लगाया आपका क्रिसमस ट्री, साल्विया और प्रिमुला. ये 5 पॉट्स मैंने अभी यूज़ किए हैं, जो कि मेरे पूरे पोर्च में लगे हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक दे रहे हैं ये, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इनको लगा कर. उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको भी ये पसंद आए होंगे, और आप भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कराने की सोच रहे होंगे. ट्रस्ट बास्केट से लिए हैं, बट ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।